नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड बंद का 5 जिलों में जबरदस्त असर। संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, ओल चिकी लिपि में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने, संताली एकेडमी का गठन करने एवं राज्य के स्कूल कॉलेजों में इस भाषा की पढ़ाई जैसी मांगों को लेकर जनजातीय संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए 12 घंटे के झारखंड बंद का राज्य के कई इलाकों में ज़्यादातर असर पड़ा। जमशेदपुर, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, सरायकेला, खरसावा जिलों में हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक को बंद समर्थकों ने ठप कर दिया। कुछ अन्य जिलों में भी बंद समर्थकों ने सड़कों जाम की है। बता दें, टाटा खड़गपुर रेल सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन मंगलवार सुबह से ही ठप रहा। वहीं रांची टाटा, रांची पटना, दुमका रामपुरहाट, दुमका भागलपुर, चाईबासा टाटा सहित कई प्रमुख सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे बंद समर्थकों ने जगह जगह जाम लगा दिया। जगह जगह वाहनों की लंबी कतार लग गई। अलग अलग जगहों पर जाम में फंसे हजारों लोग परेशान रहे। सड़कों पर कई जगहों पर टायरों में आग लगा दी गई। रेल पटरियों पर जहाँ तहाँ बंद समर्थक धरना देकर बैठ गए। मंत्री बनते ही एक्शन में आई बेबी देवी। देवघर कवारिया पथ पर शराब बिक्री पर लगाई रोक। हेमंत कैबिनेट में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनी बेबी देवी पद भार ग्रहण करने के बाद एक्शन में दिखी। मंगलवार को पहले कार्य दिवस पर उन्होंने देवघर के कवारिया पथ पर शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि देवघर के सरावनी मेले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक सभी प्रकार की मदिरा या शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। देवघर के विश्व स्तरीय श्रावणी मेले में तथा बैद्यनाथ मंदिर तक के कवारिया पथ पर किसी भी प्रकार के मदिरा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं मंगलवार 4 जुलाई 2023 को पहले कार्य दिवस पर मंत्री बेबी देवी ने ट्वीट कर लिखा है कि देवघर के विश्व स्तरीय श्रावणी मेले में तथा बैद्यनाथ मंदिर तक के कवारिया पथ पर किसी प्रकार की मदिरा और शराब की बिक्री नहीं होगी। उषा मार्टिन कंपनी के कर्मचारी की मशीन की चपेट में आकर मौत। झारखंड में नामकुम स्थित टाटी सिल्वे स्थित उषा मार्टिन कंपनी के SPCDC के कर्मचारी शत्रुधन महतो 40 वर्षीय की काम करने के दौरान मौत सोमवार को हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित स्वजनों के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने मंगलवार को उषा मार्टिन कंपनी के गेट पर सौ रहकर 5 घंटे तक मुआवजा, नौकरी व अन्य मांगों को लेकर गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। प्रबंधन की ओर से लोगों पर बल प्रयोग करने की कोशिश की गई। आक्रोशित लोगों गेट के बैरिकेटिंग धक्का देकर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन टाटी सिल्वे थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के साथ पुलिस ने मामला को शांत कराया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 घंटी हेल्थ के नाम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कम से कम 2 घंटी स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम हर कक्षा में अलग अलग होंगे। यह आयोजन 6ठी क्लास से चलने वाले सभी स्कूलों में होगा। बता दें, हर मंगलवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी DEO और DSE को इसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक स्कूल के प्रभारी व प्रधानाध्यापक इसे सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा सभी स्कूल में प्रश्न सह शिकायत पेटी लगेगी। स्कूल के आरोग्य दूत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को इसकी उपयोगिता व इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। इंदिरा आवास में घोटाला करने वालों के खैर नहीं, सीएम हेमंत। झारखंड के भ्रष्ट पदाधिकारी गरीबों के लिए बनने वाली इंदिरा आवास की राशि तक में बंदरबांट करने से बाज नहीं आते। धनवार के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहनलाल मरांडी ऐसे ही पदाधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने इस प्रखंड में तैनाती के दौरान सहकर्मियों के साथ मिलकर लाभुकों के पैसे की जमकर बंदरबांट की है। लाभुकों को उनके खाते में जमा करने वाले चेक की बजाय बियरर चेक के जरिए मनमाने तरीके से पैसे निकाले। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सख्ती बरतते हुए पदाधिकारी समेत इस गांव में शामिल सभी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग की जाँच में अधिकारी समेत अन्य कर्मियों को दोषी पाया गया है। हजारीबाग में वज्रपात से महिला की मौत, 3 गंभीर। झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड के बंदरबेला में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे बारिश के दौरान हुई वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में साथ खड़े 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान पूनम देवी पति दुकलाल महतो के रूप में हुई है।
वहीं घायलों में त्रिरेश्वरी देवी पति महावीर महतो, जगदीश महतो तथा बिशुन महतो हैं। बताया जाता है कि बारिश से पूर्व पूनम देवी अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चलवा रही थी। हेमंत सरकार के कार्यों की जन जन तक पहुंचाएंगे जेएमएम कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक मंगलवार को रांची के सोहराय भवन में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता शिबू सोरेन ने की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए ब्रीफिंग दी और बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और इसमें झामो बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे और आगामी चुनावों के लिए साथ बैठक सब कुछ तय करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें डुमरी विधानसभा में आगामी उपचुनाव पर भी गहन चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई है। माटी की पार्टी को जन जन तक पहुंचाएंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मंगलवार की देर शाम रांची स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे। नए प्रदेश अध्यक्ष के यहां पहुंचते ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी झारखंड प्रदेश के नए अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित, केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया और कहा है कि अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश ले लिए काम करूंगा और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे पूरा करूंगा। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी को माटी के पार्टी कहकर संबोधित किया और कहा है कि माटी की पार्टी को जन जन तक पहुँचाने की दिशा में हम काम करेंगे। सीएम हेमंत से मिले क्रिकेटर रॉबिन मिंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की टीम मुंबई इंडियंस के लिए चयनित विकेट कीपर सह बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अगस्त महीने में यूनाइटेड किंगडम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण की जानकारी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिभावान क्रिकेटर रॉबिन मिंज को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि रॉबिन मूल रूप से झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल रांची के नामकुम इलाके में रहते हैं। झारखंड बंद का असर, बीच सड़क पर किया भोजन। संताल समाज की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें ओल चिक्की हुल वैसी के वाहन पर मंगलवार को झारखंड बंद का दुमका में मिला जुला असर रहा। आंदोलन के दौरान भूख लगने पर कमेटी द्वारा सड़क के बीच ही पुरुष महिलाओं को भरपेट भोजन कराया एवं पानी पिलाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों छोर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम 4 बजे आंदोलनकारियों द्वारा जाम हटाए जाने से मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने बारी बारी से जाम में फंसे वाहनों को क्लियर करवाया। पहले दिन 1,13,000 भक्तों ने किया जलाभिषेक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। इसके साथ ही बाबा मंदिर में अर्घा से जलार्पण भी शुरू हो गया है। श्रावण माह के पहले दिन 1,13,352 भक्तों ने बाबा मंदिर में अर्घा से जलार्पण कर मंगल कामना की। मेला शुरू होते ही बाबा धाम गेरुआ वस्त्रधारियों से पट गया है। मंगलवार को अहले सुबह 3:05 पर पट खोला गया तथा सरकारी पूजा की गई। वहीं 3:45 से आम भक्तों के लिए पट खोला गया तथा जलार्पण शुरू किया गया। इस दौरान कंवारियों को कतार तड़के सुबह से ही क्यू कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दी गई थी। शिव भक्तों के जय घोष से पूरा रूट लाइन गुंजमय रहा है। श्रावणी मेले के गाइडलाइन उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। श्रावणी मेला के प्रथम दिन वासुकीनाथ में फायर सेफ्टी रूल का अनुपालन नहीं करने पर 2 धर्मशाला को सील कर दिया गया। वासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में व्यावसायिक भवन, धर्मशाला, होटल में फायर सेफ्टी रूल का अनुपालन न होने, भवन का नक्शा नगर पंचायत से पारित न होने को लेकर वासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विद्या भवन एवं मॉडल धर्मशाला को नगर पंचायत प्रशासक के द्वारा सील किया गया। बता दें अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार, प्रशिक्षु IAS सन्नी राज, नगर पंचायत प्रशासक आशीष कुमार, CO राजकुमार प्रसाद, BDO फुलेश्वर मुर्मू के नेतृत्व में मंगलवार को श्रावणी मेला क्षेत्र के धर्मशाला, व्यावसायिक इमारत, होटल सहित अन्य भवनों व भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया गया। श्रावणी मेले में 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी। श्रावणी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा 5 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में और 2 जोड़ी श्रावणी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि गाड़ी संख्या 05508/07 रक्सौल भागलपुर रक्सौल श्रावणी स्पेशल का घोड़ा सहन स्टेशन अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जा रहा है। कुएं में कार गिरने से महिला सहित 6 लोगों की मौत। हजारीबाग जिला के पद्मा ओपी क्षेत्र स्थित रोमी गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। फोरलेन सड़क किनारे सूर्यपुरा पैक्स के पास स्थित एक कुएं में टाटा सुमो के गिरने से उसमें सवार महिला और बच्ची सहित 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सहित 4 लोग घायल हो गए। बता दें सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि बिहार के दरभंगा से सत्संग में भाग लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे, इसी बीच रोमी गांव के पास हादसा हो गया। राजभवन के समीप बीएड के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। एक वर्ष की छात्रवृत्ति से वंचित बीएड के छात्र छात्राओं ने रांची में राजभवन के समीप प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि एक वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें झारखंड में बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सत्र 21-23 में पढ़ाई कर रहे बीएड के छात्र छात्राओं ने कहा है कि राज्य के विभिन्न बीएड कॉलेजों से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को एक वर्ष की सरकारी छात्रवृत्ति नहीं मिली। विद्यार्थियों ने कहा है कि 2 वर्ष की पढ़ाई के दौरान सरकार के द्वारा SC/ST/OBC के छात्रों को बीएड की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन इस वर्ष 2021-23 सत्र के छात्रों को सिर्फ 1 वर्ष ही छात्रवृत्ति मिल पाई है, जबकि 1 वर्ष की छात्रवृत्ति को लेकर विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चुनौती के बावजूद मिशन 2024 के तहत जीतेंगे झारखंड की 14 सीटें बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का दावा किया है। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी आलाकमान द्वारा बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसको लेकर रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। धन्यवाद।